आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अखरोट जो फ्रेश हम पेड़ से तोड़ते हैं वो कैसे दिखते हैं। इस तरह से हरे रंग का छिलका चढ़ा होता है अखरोट पे, जो हमें मार्केट में मिलते हैं वो अखरोट इनके अंदर होते हैं। बहुत दिनों से मैंने फ्रेश अखरोट ला के फ्रिज में रखे थे आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा दिन रहने के बाद इस तरह से इनका ऊपर का छिलका जो है सॉफ्ट हो गया है और चटक गया है। इनका रंग जो है हाथों में भी आ जाता है बिल्कुल मेहंदी जैसा। तो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़े से फ्रेश अखरोट और लेकर आई हूँ, ताकि आपको सही तरीके से दिखा सकूँ कि जब पेड़ों से उतरते हैं तो किस तरह से लगते हैं। तो चलिए ये भी दिखा देती हूँ कि इन्हें काटा कैसे जाता है। ये डंठल वाली साइड से हम हरा जो छिलका है इस तरह से निकालेंगे और बिल्कुल सेंटर में चाकू को रख के ट्विस्ट करेंगे और ये आसानी से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर अंदर से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका हरा जो छिलका है वो भी उतर जाता है और इसके अंदर की जो गिरी है वो भी निकल जाती है। और देखिए बिल्कुल वाइट कलर की है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से एक और तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। डंठल वाली साइड से हरे वाले छिलके को हम काट के निकाल देंगे, सेंटर में चाकू रख के बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हम मार्केट से अखरोट लेकर आते हैं, तो उसके साथ भी एक टिन से बना हुआ हार्ट शेप का इस तरह से टूल मिलता है जिससे कि हम अखरोट को ट्विस्ट करके तोड़ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम चाकू का इस्तेमाल करके भी सेंटर में इस तरह से अखरोट के रख के ट्विस्ट करेंगे तो अखरोट जो है आसानी से टूट जाएगा। तो ये देखिए पहले वाले जो अखरोट थे वो इनका छिलका कितना सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है और वो आसानी से छीले जा रहे हैं। इनका रंग काला पड़ गया है लेकिन धोने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल फ्रेश हैं, अंदर से ख़राब नहीं हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है अंदर से, केवल बाहर का छिलका जो है वो गल चुका है। अब मैं इन्हें सबको छील लूँगी और हाथ देखिए अभी मैंने बहुत कम छीला है, तब भी थोड़ा थोड़े लाल दिखने लग गए हैं। बिल्कुल इनको ज़्यादा हैंडल करेंगे, ज़्यादा छीलेंगे अखरोट तो रंग जो है जैसे मेहंदी का रंग होता है चढ़ने के बाद, बिल्कुल वैसे हाथ हो जाते हैं। हाथों को रंगने से बचाने के लिए आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको देख के मुझे बचपन की याद आ गई। हम इन छिलकों को दांतों पर रगड़ते थे और दांतों पर रगड़ने से हमारे दांत जो हैं वो सफ़ेद दिखने लगते थे और होंठ हमारे बिल्कुल लाल हो जाते थे जैसे मेहंदी का रंग होता है। ये हमारा बचपन का खेल था। और आप लोगों में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि अखरोट की दातुन भी की जाती है जम्मू में और पंजाब में। खासकर लेडीज़ जो हैं अखरोट की छाल की दातुन करते हैं। उससे क्या होता है कि पहले ज़माने में लेडीज़ लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती थी, खासकर गाँव में, तो वो सुबह सुबह उठ के दातुन जो करती थी, ब्रश नहीं करती थी, अखरोट की दातुन करती थी और उससे उनके ओंठ भी जो है वो लाल हो जाते थे और दांत भी बहुत चमक जाते थे। एक तरह से उनका ये लिपस्टिक लगाने का ढंग था और वो खुद सुबह सुबह नहा धोकर दातुन करके ओंठों को लाल कर लेती थी और अपने दिनचर्या करती थी। आजकल भी दातुन मार्केट में मिलती है, पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो अखरोट की छाल की बनी होती है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे अखरोट छील लिए हैं और हल्के हल्के से मेरे रंग जो है वो टिप्स पे चढ़ गया है। अगर यही अखरोट हम ज़्यादा छीलेंगे तो बिल्कुल लाल हो जाएंगे हमारे हाथ। अब मैं इन्हें धो के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए धोने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, क्योंकि छिलका गल गया था तो इसलिए काले काले से नज़र आ रहे थे। और उसके बाद आप छील के इन्हें आप चाहे तो चटनी बना सकते हैं या फिर हलवा बना सकते हैं या किसी भी डिश में डाल के इसको बना सकते हैं, यूं ही खा सकते हैं। और ये मार्केट से मिलने वाले जो अखरोट हैं इनको भी अगर आप पानी में भिगो के रख देंगे ओवरनाइट तो ये भी बिल्कुल फ्रेश जैसे हो जाएंगे। इनका जो खाने का टेक्सचर है वो फ्रेश जैसा हो जाएगा, जहाँ आप छील के भी भिगो सकते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बादाम भिगो के खाते हैं। तो इनको छीलने के बाद आप चाहें तो इससे चटनी बनाइए, हलवा बनाइए या और जो भी आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये जो मार्केट में मिलता है अखरोट वो भी छील के दिखा रही हूँ। इसको भी सेम इसी तरह से चाकू से ट्विस्ट करके खोल लेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। और इसमें कलर में देखिए कितना डिफरेंस है, जो फ्रेश है बिल्कुल सफ़ेद है और जो मार्केट से लाया हुआ है उसका रंग जो है ब्राउन हो चुका है। टेस्ट में भी फ़र्क होता है, कलर में भी फ़र्क होता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे अखरोट छील लिए हैं और
अखरोट की चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है और जल्द ही और रेसिपीज़ भी मैं अखरोट की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।